हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोहित शर्मा व इयोन मॉर्गन के बीच ओडीआई टेस्ट T20 एंड ओवरऑल मैचेस बैटिंग कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों प्लेयर्स में बेस्ट प्लेयर कौन है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम रोहित शर्मा व इयोन मॉर्गन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ है, वही इयोन मॉर्गन का जन्म 10 सितंबर 1986 को हुआ है। रोहित शर्मा की उम्र 33 वर्ष है, वही इयोन मॉर्गन की उम्र 34 वर्ष है। रोहित शर्मा की हाइट 5 फीट 7 इंच है, वही इयोन मॉर्गन की हाइट 5 फीट 9 इंच है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, वही इयोन मॉर्गन टीम इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। रोहित शर्मा का बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड है, वही इयोन मॉर्गन का बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंडेड है। दोस्तों, सबसे पहले हम रोहित शर्मा व इयोन मॉर्गन के बीच ओडीआई मैचेस कंपैरिजन करेंगे। रोहित शर्मा ने वनडे में 224 मैच खेले हैं, वही इयोन मॉर्गन ने वनडे में 241 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने 217 इनिंग्स में 9,115 रन बनाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने 225 इनिंग्स में 7,598 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का वनडे में एवरेज 49.27 का है, वही इयोन मॉर्गन का वनडे में एवरेज 39.37 का है। रोहित शर्मा का वनडे में स्ट्राइक रेट 88.93 का है, वही इयोन मॉर्गन का वनडे में स्ट्राइक रेट 91.44 का है। रोहित शर्मा का वनडे में हाईएस्ट स्कोर 264 रन है, वही इयोन मॉर्गन का वनडे में हाईएस्ट स्कोर 148 रन है। रोहित शर्मा ने वनडे में 29 सेंचुरी व 32 हाफ सेंचुरी लगाई है, वही इयोन मॉर्गन ने वनडे में 14 सेंचुरी व 46 हाफ सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा ने वनडे में 817 चौके व 244 छक्के लगाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने वनडे में 644 चौके व 218 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में 77 कैच पकड़े हैं, वही इयोन मॉर्गन ने वनडे में 83 कैच पकड़े हैं। रोहित शर्मा वनडे में 21 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं, वही इयोन मॉर्गन वनडे में 15 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं। रोहित शर्मा की वनडे में करंट आईसीसी रैंक नंबर 2 पे है, वही इयोन मॉर्गन की वनडे में करंट आईसीसी रैंक नंबर 23 पर है। दोस्तों, अब हम T20 मैचेस कंपैरिजन करेंगे। रोहित शर्मा ने T20 में 108 मैच खेले हैं, वही इयोन मॉर्गन ने T20 में 97 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने T20 में 100 इनिंग्स में 2,773 रन बनाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने T20 में 93 इनिंग्स में 2,278 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का T20 में एवरेज 32.24 का है, वही इयोन मॉर्गन का T20 में एवरेज 30.37 का है। रोहित शर्मा का T20 में स्ट्राइक रेट 138.79 का है, वही इयोन मॉर्गन का T20 में स्ट्राइक रेट 138.99 का है। रोहित शर्मा का T20 में हाईएस्ट स्कोर 118 रन है, वही इयोन मॉर्गन का T20 में हाईएस्ट स्कोर 91 रन है। रोहित शर्मा ने T20 में 4 सेंचुरी व 21 हाफ सेंचुरी लगाई है, वही इयोन मॉर्गन ने T20 में 14 हाफ सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा ने T20 में 245 चौके व 127 छक्के लगाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने T20 में 172 चौके व 113 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने T20 में 40 कैच पकड़े हैं, वही इयोन मॉर्गन ने T20 में 37 कैच पकड़े हैं। रोहित शर्मा T20 में मैन ऑफ द मैच 10 बार रहे हैं, वही इयोन मॉर्गन T20 में मैन ऑफ द मैच 7 बार रहे हैं। रोहित शर्मा की T20 में करंट आईसीसी रैंक नंबर 11 पर है, वही इयोन मॉर्गन की करंट आईसीसी रैंक नंबर 7 पर है। दोस्तों, अब हम टेस्ट मैचेस कंपैरिजन करेंगे। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 34 मैच खेले हैं, वही इयोन मॉर्गन ने टेस्ट में 16 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 57 इनिंग्स में 2,270 रन बनाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने टेस्ट में 24 इनिंग्स में 700 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का टेस्ट में एवरेज 45.40 का है, वही इयोन मॉर्गन का टेस्ट में एवरेज 30.43 का है। रोहित शर्मा का टेस्ट में स्ट्राइक रेट 58.46 का है, वही इयोन मॉर्गन का टेस्ट में स्ट्राइक रेट 54.77 का है। रोहित शर्मा का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 212 रन है, वही इयोन मॉर्गन का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 130 रन है।
रोहित शर्मा ने टेस्ट में 6 सेंचुरी व 11 हाफ सेंचुरी लगाई है, वही इयोन मॉर्गन ने टेस्ट में 2 सेंचुरी व 3 हाफ सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 231 चौके व 54 छक्के लगाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने टेस्ट में 77 चौके व 6 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 31 कैच पकड़े हैं, वही इयोन मॉर्गन ने टेस्ट में 11 कैच पकड़े हैं। रोहित शर्मा टेस्ट में मैन ऑफ द मैच 3 बार रहे हैं, वही इयोन मॉर्गन टेस्ट में मैन ऑफ द मैच 1 भी बार नहीं रहे हैं। दोस्तों अब हम रोहित शर्मा व इयोन मॉर्गन के बीच ओवरऑल मैचेस बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि रोहित शर्मा ने ओवरऑल 366 मैच खेले हैं, वही इयोन मॉर्गन ने ओवरऑल 354 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने 374 इनिंग्स में 14,158 रन बनाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने 342 इनिंग्स में 10,576 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने ओवरऑल 39 सेंचुरी व 64 हाफ सेंचुरी लगाई है, वही इयोन मॉर्गन ने ओवरऑल 16 सेंचुरी व 63 हाफ सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा ने ओवरऑल 1,293 चौके व 425 छक्के लगाए हैं, वही इयोन मॉर्गन ने 893 चौके व 467 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने ओवरऑल 148 कैच पकड़े हैं, वही इयोन मॉर्गन ने ओवरऑल 131 कैच पकड़े हैं। तो दोस्तों ये था रोहित शर्मा व इयोन मॉर्गन के बीच ओडीआई टेस्ट T20s एंड ओवरऑल बैटिंग कंपैरिजन। तो दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों प्लेयर्स में बेस्ट प्लेयर कौन सा है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें।